दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल सिंह ऑटो जोन में। दोस्तों आने वाला ट्रेंड जो अपकमिंग ट्रेंड है ऑटो इंडस्ट्री में वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कार हो, इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल स्कूटर। बट कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले, चाहे वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी हो या इलेक्ट्रिक हो, हम इंडियंस की जो अप्रोच है वो कॉस्ट सेंट्रिक ही रहती है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा टिगोर की बात करें, उसकी नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी 5 लाख से शुरू हो जाती है, बट वहीं जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी इनकी है वो 10 लाख से ऊपर जा रही है। इसलिए अभी तक वो गाड़ी नॉर्मल कॉमन पीपल के सेल के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही बिक रहा है वो। ऊपर से उसकी रेंज भी कम है, 120-130 किलोमीटर पे सिंगल चार्ज पे जाती है। टाटा इस बात को अच्छी तरह जानता है, अगर वो सेम रेंज सेम प्राइस के साथ कॉमन पीपल के लॉन्च करती है तो ये एक सक्सेस नहीं रहेगा, अच्छी नहीं बिकेगी। इसलिए इस पर और ज्यादा वर्कआउट हो रहा है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए एक इंडिया की और एक और ऑटो कंपनी रेनॉल्ट ने, उसकी एक ऑलरेडी बहुत अच्छी जो गाड़ी बिक रही है इसका नाम क्विड है, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग चल रही है, फर्स्ट डे चाइना में लॉन्च होगी। आज हम उसी पर बात करेंगे, अपडेट जो भी उसका अभी तक हमारे इलेक्ट्रिकल जो भी अपडेट आया उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विड इलेक्ट्रिकल का अब तक का जो अपडेट है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अभी तक जो फिलहाल सबसे पहले ये चाइना में ही लॉन्च होगी, वहां पर इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद 2019 लास्ट या 2020 तक ये इंडिया और ब्राजील जैसी देशों में लॉन्च होगी। इंडिया में तकरीबन 2020 तक तो आ ही जाएगी। अगर इसकी रेंज की बात करें जो कि इसका यूएसपी है, तो सिंगल चार्जिंग में तकरीबन ये 250 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव रेंज है इस साइज की गाड़ी के लिए। अभी तक इसकी बैटरी का कोई अपडेट हम कोई बाहर नहीं निकल कर आया है। अगर हम प्राइस की बात करें तो वो 5 से 6 लाख तक जाएगा, तो इस रेंज की गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें और इस गाड़ी का जो डायरेक्ट कंपटीशन रहेगा वो मारुति सुजुकी की वैगनार इलेक्ट्रिक, जो कि 2020 में लॉन्च होने की प्लानिंग कर रही है, उसके साथ सीधा कंपटीशन रहेगा। इसमें बड़ा देखना दिलचस्प रहेगा कि इनका आपस में रेंज क्या रहती है और प्राइस क्या रहता है। आपस में बहुत कड़ी टक्कर होने वाली है इनकी। अभी तक जो चाइना में जो इनका प्लांट लगा है वो जेवी है बिटवीन निसान और चाइना की डोंगफेंग कंपनी के बीच में, ज्वाइंट वेंचर है उनका, मिलकर ये इस गाड़ी का प्रोडक्शन करेंगे चाइना में। हो सकता है स्टार्टिंग से वहीं से कुछ गाड़ी इंडिया में भी एक्सपोर्ट हो। और उसके जो अदर फीचर्स हैं वो सेम है जैसे क्विड की, ऑलरेडी उसका जो कैबिन है बहुत ही स्पेसियस और कंफर्टेबल है, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। रिवर्स कैमरा रहेगा, रिवर्स कैमरे के साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर रहेगा, और उसके डैशबोर्ड पर जो बड़ी स्क्रीन है वो बिल्कुल उसका यूएसपी है, वो भी उसमें रहेगी। तो अभी तक दोस्तों जो अपडेट है वो आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। इसके बाद आगे जो भी नई अपडेट आएगी, लॉन्चिंग जो भी डेट सामने आएगी, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।